हेलो नमस्ते, वेलकम बैक इन माय चैनल विद बी परफेक्ट विद निशा। एंड हाय, आई एम निशा हियर। सो आप ये लुक देख सकते हो, आपको लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय द वे, सो ये इंस्टेंट ग्लो आप देख सकते हो। देन ये ग्लो मैंने एकदम नेचुरली होम इंग्रेडिएंट से ही मैंने ये बनाया है। एंड आपको मैं आगे उसका रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एंड में उसका आगे। सो यस, यहाँ पे आपको ले लेना है एक ऑरेंज, एंड ऑरेंज का आपको जो पील है उसको अच्छी तरह सूखा के एंड देन उसका पाउडर बना लेना है, मतलब उसको पीस लेना है अच्छी तरह। एंड पीसने के बाद उसको आप साइड में अलग से 1 टेबल स्पून जितना लेकर एंड जितना अमाउंट आपको चाहिए उसके हिसाब से लेकर एंड उसमें जितना आपने डाला है उसका आधा आपको डालना है दही यानी कर्ड। और कर्ड डालने के बाद आपको इसमें अब पिंच ऑफ हल्दी डालनी है। तो हल्दी डालने के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब भी आप मिक्स कर लोगे ना इसको पेस्ट बनाने के लिए, फेस पैक बनाने के लिए, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वाटर की। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर से, मिनरल वाटर से भी डालकर इसको पेस्ट बना सकते हो। सो यहाँ पे इसकी रेडीमेड ऑरेंज पील पाउडर भी मिलता है, तो वो भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बट आपको ये होम में चाहिए तो ऑरेंज लेकर आपको उसके पील अच्छे से सूखा लेना है। सूखाने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा, अच्छे से सूखने देना है। एंड यहाँ पर मेरा फेस पैक है रेडी। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्किन को सूट करता है उसके हिसाब से दही दूध या कोई मिला के आपको फेस पैक लगा लेना है। एंड यस, यहाँ पे मैंने फुल फेस पे लगा लिया है क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर है। इसको मैंने अच्छी तरह फाइन पीस लिया था लेकिन इसको छाना नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा दरदरा है। बाकी अगर आप छानो तो और भी अच्छा लाइक लगा सकते हो, वांदा नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। लाइक आप पूरे फेस पे लगा लेना है। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको इसको रेस्ट कर लेना है, मतलब एकदम 5 to 10 मिनट्स आपको इसको छोड़ देना है जब तक ये अच्छे से नहीं सूख जाए आपके फेस पे। एंड देन जब ये सूख जाएगा ना आपके फेस पे, बहुत ही अच्छा ग्लो आपको देगा, लाइक देख सकते हो। एंड नाउ सेकेंड फेस पैक के बारे में बताऊँ तो ये एलोवेरा है। ऑब्वियसली मैंने मेरे चैनल पर एलोवेरा के यूजेस भी बताए हैं। एंड यहाँ पे एलोवेरा फेस पैक की जगह भी आप लगा सकते हो, जैसे कि आपको एलोवेरा प्लांट है तो अच्छा है आपके पास। देन उसको कट कर लेना है, आपके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, सूखने तक आपको वेट करना है एंड वॉश कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन एकदम स्मूथ लगेगी। एंड फेस पैक नंबर 3, जो यहाँ पे कॉफ़ी लेना है एंड उसमें थोड़ा सा शुगर एंड यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स के आपको वाटर डाल लेना है एंड इसको अच्छी तरह मिला लेना है। मिक्स करने के बाद आपको फेस पे लगा लेना है। तो आप जानते ही हो फेस के लिए आप कॉफ़ी भी बहुत सूटेबल है होता है। यहाँ पे हर एज के ग्रुप वाले लगा सकते हैं अच्छी तरह, पूरे फेस पे एकदम मसाज करते हुए लगाना है। एंड बहुत जल्दी ये सूख जाता है तो सूखने तक वेट करना है एंड अच्छे से आपको फेस वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से फेस पैक की तरह आपको लगा लेना है। सो फेस पैक नंबर 4, तो यहाँ पे आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में आप दही ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हो। तो ये नॉर्मली जो भी आपके घर पे अवेलेबल होता है उसके वजह उसके लिए एंड आपको एज अ फेस पैक बना लेना है। तो यहाँ पे ये जो मुल्तानी मिट्टी है आपकी स्किन को बहुत ही ठंडक प्रोवाइड करती है, बहुत ही आराम देती है, रिलैक्स करती है। एंड इनमें से जो भी आपको सूटेबल है वो आप लगा सकते हो। ये सारे वीडियोस आपने अगर मेरे इस चैनल पे देखे होंगे तो सब के सब मैंने शेयर किया है ये सब कुछ। एंड ये सारे मिला के अभी एक ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो और भी। तो ये हो गया एंड इसको आपको सूखने देना है। सूखने के बाद हैज अ स्क्रब की तरह आपको जेंटली आपके फेस पे मसाज करते हुए निकालना है एंड आपका फेस वॉश कर लेना है।
तो इससे भी बहुत ही अच्छा ग्लो आपको मिलता है फेस पे, साथ ही आपके फेस जो है वो हाइड्रेट हो जाती है एंड जो फेस वो है आपका बहुत ही ग्लो भी करती है। एंड नाउ फेस पैक नंबर 5, तो यहाँ पे आपको राइस पाउडर लेना है, जो भी आपके घर पे राइस अवेलेबल है, राइस को आपको अच्छी तरह पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है एंड वो आपको यहाँ पे 1 टीस्पून लेना है यहाँ पे। दूसरा आप यहाँ पे ले सकते हो ऑरेंज का फेस पैक जो मैं बताया था, ऑरेंज पाउडर भी ले सकते, इसकी जगह ऑरेंज पाउडर नहीं है तो आप बेसन ले सकते हो। तो यहाँ यहाँ पे 2 पाउडर जो आपने ले लिए हैं एंड यहाँ पे आप तीसरा जो है वो आप ले सकते हो, या मुल्तानी मट्टी, मुल्तानी मट्टी लोगे तो आपके फेस पर ठंडक भी बहुत होगा। तो यहाँ पे इन तीनों जो है वो पाउडर्स उसको मिक्स कर लेना है। इनमें से अगर आपके पास कोई एक नहीं है तो भी चलेगा, स्किप कर सकते हो एंड इसको अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बनाने के लिए आपके स्किन के लिए जो सूटेबल है वो कर सकते हो, या नॉर्मल वाटर से भी आप इसको एज अ फेस पैक बना सकते हो, क्योंकि हमने इसमें डाला है ऑरेंज का पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर डाला है, मुल्तानी मिट्टी डाल दी है एंड साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ मिल्क, जो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, लगाने के लिए फेस पैक भी अच्छी तरह बन जाएगा और स्मूथ भी करेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह पे फेस पैक बना लेना एंड नाउ इट्स रेडी फॉर यूज़। तो ये आपको यूज़ कर लेना है। नॉर्मली आप क्या करो, फेस पैक बना के नहीं रखना है, फेस पैक बनाने के बाद तुरंत आपको अप्लाई कर लेना है एंड जितनी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के बाद जब भी आप फेस वॉश करते हो तो आपको एक अच्छा ग्लो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल्क ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही लिक्विड फेस पैक बन गया तो वो आपके फेस पे ठीक से लगेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा 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 करके आपको मिल्क ऐड करना है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने रॉ मिल्क लिया है। सो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं लगा लूँगी, तो आप हैंड्स की हेल्प से भी लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, अच्छे से लगा लेना है आपको एंड इसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये जो राइस पाउडर है ना जो, तो ये भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपके स्किन में जो भी अगर पिगमेंटेशन हो गई हो वो हटा देगा, डेड स्किन की लेयर भी हटा देगा एंड स्किन में है जो ग्लो प्रोवाइड करेगा और सारी डर्ट ये सब भी रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है, लगा के आपको छोड़ देना है कम से कम 5 मिनट, या 5 मिनट से ज़्यादा आप छोड़ देना है एंड छोड़ने के बाद आपको इसको फेस वॉश कर लेना है। देन फेस वॉश करने के बाद इन सब जो मैं बता रही हूँ आपको, इतने सारे फेस पैक ये सारा एक साथ नहीं फॉलो करना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है और जो भी आपको सूटेबल बहुत है तो उनमें से आप ये सब कुछ जो है वो एक हफ्ते में, हफ्ते हफ्ते में ट्राई कर सकते हो। इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट भी मिलता है एंड जो आप रेगुलर यूज़ करते जाओगे तो आपकी जो स्किन की टेक्सचर है वो बहुत इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे एक हेज़ स्क्रब की तरह आपको जेंटली आपके फेस पे मसाज करते हुए हटा देना है एंड यहाँ पे आपको फेस वॉश कर लेना है यहाँ पे। ओके एंड देख सकते हो आप ग्लो, एंड नाउ लास्ट वन इज़ आपको यहाँ पे लेना है कोई भी आटा ले सकते हो एंड आटा लेने के बाद आपको इसमें 1/4 आपको हल्दी लेनी है, 1/4 टीस्पून आपको हल्दी लेनी है। हल्दी लेकर आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है एंड मिक्स करने के बाद जो ये लास्ट वन है, और मैंने ये पिछले वीडियो में ही शेयर किया था फेस पैक, ऑरेंज सॉरी ऑरेंज नहीं टमाटो फेस पैक है। तो यहाँ पे ये मिक्स करने के बाद आपको जो टमाटर ग्राइंड किया था, टमाटर जो ग्राइंड किया था वो आपको यहाँ पे आपके फेस के हिसाब से यहाँ पे आपको फुल ले लेना है, एज अ फेस पैक बना लेना, क्योंकि और ऑलमोस्ट टमाटर जूसी होता है तो इसके हिसाब से आपको कोई दूसरा वाटर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टमाटर है वो खुद ही बहुत जूसी है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फेस पैक बना लेना है, आपको फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। जब ये फुल फेस पे अप्लाई आप कर लोगे अच्छी तरह, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप लोगों को ले लेना है। यहाँ पे इतना सा बचा है, मैं मतलब मैक्सिमम 1 टमाटर की जो
प्योरी में बनाई थी वो लग गया। यहाँ पे आप जूम आउट करके देख सकते हो। सो या ये बन गई है, रेडी है। नाउ मैं इसको अभी अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी, यहाँ पे अप्लाई करके आपको इसको सूखने देना। एंड जैसे कि मैं बताया, आपको रिजल्ट इंस्टेंट भी मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, वैसे आपकी जो स्किन की टेक्चर है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। तो यहाँ पे वेस्टेज भी नहीं करना है, मैं इसको हैंड्स पे भी लगा रही हूँ। एंड थैंक यू।